मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले संत रविदास मंदिर के भूमि पूजन को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सर्वे बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई तय है। एक बहुत बड़ा वर्ग अनुसूचित जाति वर्ग का इस प्रदेश में है। लगभग 65 लाख की आबादी अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की है। शिवराज सिंह चौहान जी और मोदी जी और पूरी भाजपा इस वर्ग के वोट को रिझाने में लगी है। रविदास जी के मंदिर के नाम से 100 करोड़ का मंदिर रविदास जी के नाम से बनाया जा रहा है। रविदास जी का मंदिर बने इसका कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी ये सवाल खड़ा कर रही है कि आज चुनाव आ गए, 3 महीने चुनाव के रह गए हैं और आज ही रविदास जी का मंदिर भारतीय जनता पार्टी घोषणा करती है। कल मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी उसका भूमि पूजन कर रहे हैं, लेकिन मैं मोदी जी और शिवराज जी से पूछना चाहता हूँ कि जो माहौल प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए पिछले 20 साल से बना हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है। हम ऐसी घटनाओं को लगातार पेपर के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से देखते और सुनते रहते हैं जो मानवता को शर्मसार करती है और बड़ी पीड़ादायक घटनाएं हो रही है। संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले समन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे वर्ग के लोगों के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए जो समता, न्याय और बंधुत्व की बात बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में की गई, लेकिन उसकी धज्जियां उड़ाते हुए इस वर्ग के लोगों को गोलियां मिलती हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदीप अहिरवार ने कहा कि भाजपा चुनाव के पहले रविदास मंदिर बनवाने की घोषणा करती है और चुनाव के बाद उस पर बुलडोजर चलवाती है। दलित विरोधी शिवराज सरकार द्वारा झूठी घोषणाएं बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की दलित हितैषी योजनाएं जो भाजपा सरकार ने बंद कर दी हैं, उन्हें सीएम शिवराज अपनी सरकार में शुरू करें। प्रदीप अहिरवार ने कहा कि 2009 में उज्जैन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविदास राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा की थी, जिसका आज तक कोई अता पता नहीं है। वहीं 9 अगस्त 2019 में संत शिरोमणि मंदिर भाजपा की केंद्र सरकार रहते हुए मंदिर ध्वस्त किया गया था। अहिरवार ने कहा कि बैकलॉग के 1,32,000 पद अनुसूचित जाति वर्ग के खाली हैं। सरकार उन पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। अगर वास्तव में सरकार अनुसूचित जाति जनजाति की हितैषी है तो उन्हें भरना चाहिए। जिस तरीके से प्रदेश में दलित समाज के ऊपर अन्य अत्याचार की जो बाढ़ आई है, हमारे समाज के लोगों को घर में घुस के मारा जा रहा है, उनकी जमीनों पर कब्जा हो रहा है और जिस तरीके से पूरे प्रदेश में जो माहौल बना हुआ है दलित वर्ग के विरोध में, उसको लेकर इस वर्ग की पूरी जो समस्या है, मैं आपके माध्यम से मोदी जी से कहना चाहता हूं कि मोदी जी, ये वर्ग 2023 का चुनाव 3 महीने बाद मध्य प्रदेश में है और ये वर्ग आपकी पार्टी की सरकार को मध्य प्रदेश से विदा करने के लिए तैयार है। हमारे अधिकारों को ख़त्म करने का काम पिछले 20 साल में भाजपा सरकार ने किया है, हमारा समाज समझ रहा है और पूरा अनुसूचित जाति वर्ग हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार। अहिरवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार में लगातार दलित आदिवासी महापुरुषों का अपमान हो रहा है। मुख्यमंत्री के गृह जिले सीहोर के ग्राम बरखेड़ा कुर्मी में पिछले सप्ताह बाबा साहिब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ग्राम मुस्करा में भी ऐसी घटना घटी थी। कार्रवाई नहीं होने से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। दिग्विजय सिंह की सरकार में बना था, उस वित्त विकास निगम की क्या हालत है आज ये किसी से छुपी नहीं है। ये सम्मान की बात करते हैं कि हम दलित वर्ग के महापुरुषों को सम्मान देंगे, आदिवासी वर्ग के महापुरुषों को सम्मान देंगे। सबसे ज्यादा पूरे देश में ये आंकड़ा है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू तोड़ी जाती है, रविदास जी की मूर्तियों को खंडित किया जाता है और आज वोट पाने के लिए मोदी जी सागर आ रहे हैं। ये रविदास मंदिर की घोषणा मुझे अच्छे से याद है, फरवरी में जब रविदास जी की जयंती कार्यक्रम था, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे और सागर के अंदर कमलनाथ जी ने उस कार्यक्रम में घोषणा की थी कि हम एक बहुत बड़ा रविदास जी का मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे। हमारी सरकार किस तरीके से गई सबको पता है। फरवरी में कमलनाथ जी ने घोषणा की और मार्च में इन लोगों ने पैसे की दम पर कमलनाथ जी की सरकार को गिराने का काम किया। ये मूर्ति बनवाने
मंदिर बनवाने की बात करते हैं, 600 साल पुराना मंदिर केंद्र सरकार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की और दिल्ली में रविदास जी के जो 600 साल पुराना मंदिर था उस मंदिर को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़वाया, उन पे बुलडोजर चलवाया। आज ये वोट के लिए सिर्फ भूमि पूजन कर रहे हैं ताकि इस वर्ग का वोट मिल जाए और हमारी सरकार